शादी के लिए कितने गुण मिलने चाहिए? सफल शादी के लिए कितने गुण मिलना जरूरी है? कुंडली मिलान करते समय कितने गुण मिलने चाहिए? विवाह करने के लिए गुण मिलान में कितना गुण मिलना जरूरी है? यदि आपके मन में कुछ इस प्रकार के प्रश्न हैं, तो आप सही जगह पर हैं। इन सभी प्रश्नों का उत्तर शास्त्र प्रमाण के साथ हम इस वीडियो में देंगे। नमस्कार, astrolife.com की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। शास्त्रों के अनुसार विवाह के पहले वर वधु के कुंडली का मिलान अर्थात गुण मिलान करना चाहिए, जिसे हमने इस वीडियो में सिखा दिया है। गुण मिलान करते समय आपके मन में यह प्रश्न आना स्वाभाविक है कि एक सफल शादी के लिए कितना गुण मिलना चाहिए, अर्थात कितना गुण मिले तो हमें शादी के लिए हाँ कर देना चाहिए, कितना गुण मिले तो शादी उत्तम होता है, कितना मिले तो मध्यम और कितना मिले तो उत्तम उत्तम होता है, और कितना से कम मिले तो हमें शादी करने के लिए अन्य जगह का सलाह देना चाहिए, अर्थात कितना गुण से कम गुण मिलने पर हमें ऐसा कहना चाहिए कि गुण मिलान की दृष्टि से यहाँ पर शादी करना उत्तम नहीं होगा। वीडियो को अंत तक देखते रहिए, क्योंकि हम इस वीडियो में इसके कई पहलुओं पर बात करेंगे। कहीं ऐसा ना हो कि आप एक पहलू को ही जान पाए और भविष्य में आप समाज में अधूरे ज्ञान के कारण शर्मिंदगी के पात्र बने, क्योंकि आधा ज्ञान बहुत ही खतरनाक होता है। तो आइए जान लेते हैं कि एक सफल शादी के लिए कितना गुण मिलना आवश्यक है। इस विषय में शास्त्र में लिखा गया है, गुणैः षोडश भिर्नेन्द्यम् मध्यमा विंशतिस्तथा तथा श्रेष्ठम् त्रिंशत् गुणम् यावत् परस्तस्तुत्तमोत्तमम् सद्भकुट इति ज्ञेयम् दुष्टकूटे तु चान्यथा निन्द्यम् गुणैर्विंशतिभिर् मध्यम् बाणाधिकैर्मतम् तत्परैः पञ्चभिः श्रेष्ठम् ततः श्रेष्ठतरम् गुणैः। इसका मतलब हुआ कि भकुट उत्तम रहने पर 1 से 16 तक निंदित, 17 से 20 तक मध्यम, 21 से 30 तक श्रेष्ठ तथा इससे अधिक होने पर उत्तम उत्तम होता है। यदि भकुट अशुभ अर्थात 6 × 8, 5 × 9, 2 × 12 हो तो 1 से 20 तक निंदित, 21 से 25 तक मध्यम, 26 से 30 तक श्रेष्ठ तथा इसके ऊपर हो तो उत्तम उत्तम होता है। आइए इसे आपको आसान भाषा में समझाता हूं। जब भकुट मिलता रहे तब आपको विवाह करने के लिए कम से कम 17 गुण मिलना चाहिए। यहाँ भकुट शब्द का मतलब क्या है, अर्थात भकुट क्या है, यह कब अशुभ होता है, यह कब मिलता है, कब नहीं मिलता है, ये प्रश्न आपके मन में आने स्वाभाविक हैं। लेकिन इस भकुट शब्द के बारे में हम वीडियो के अंत में जानेंगे। फिलहाल कितना गुण मिलना चाहिए इस बात को समझ लेते हैं। जब भकुट उत्तम हो इस परिस्थिति में कम से कम 17 गुण मिलना चाहिए, अर्थात जब भकुट मिलता रहे तब 17 गुण से 20 गुण तक मिलना मध्यम, 21 से 30 गुण तक मिलना श्रेष्ठ तथा इससे अधिक मिलने पर सर्वश्रेष्ठ होता है, अर्थात 21 से 36 तक गुण मिले तो यह सर्वश्रेष्ठ गुण मैत्री होती है। यह स्थिति तो तब की है जब भकुट मिले। अब दूसरे स्थिति की बात करते हैं, जब भकुट अशुभ हो अर्थात भकुट गुण न मिले तब शादी के लिए कम से कम 21 गुण मिलने चाहिए। इस परिस्थिति में अर्थात जब भकुट न मिले तब 21 से 25 तक मध्यम, 26 से 30 तक श्रेष्ठ तथा 30 से ऊपर अर्थात 21 से 36 तक सर्वश्रेष्ठ होता है। ये तो हो गई गुण मिलने की बात कि जब भकुट उत्तम हो तब कितना गुण मिलना चाहिए, कितने गुण पर शादी के लिए हाँ करना चाहिए और भकुट जब न मिले तब कितने पर। अब हम भकुट के बारे में जान लेते हैं कि भकुट क्या है और इसका ज्ञान कैसे करें। भकुट अष्टकूटों में 7वें स्थान का कूट है जिसका गुण संख्या 7 है। यानी कि यदि भकुट मैत्री होती है तो 7 गुण मिल रहे हैं, वह संपूर्ण गुणों में 7 गुणों की संख्या भकुट की होती है। भकुट को राशि कूट के नाम से भी जाना जाता है। भकुट मैत्री कैसे करते हैं, इसके शुभ अशुभ होने का ज्ञान कैसे करें, इन सभी भकुट से जुड़ी समस्त बातों को हम एक अलग से वीडियो में जानेंगे। वह वीडियो आपको इस चैनल पर पब्लिश नहीं किया जाएगा। उसे पाने के लिए आप हमें व्हाट्सएप या जीमेल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक कर सकते हैं।
या आप हमारे चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के माध्यम से भी इसे प्राप्त कर सकते हैं। और कम्युनिटी पोस्ट आपको तभी दिखाई देगा जब आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को हिट किए रहेंगे। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि आपसे कोई भी शास्त्र प्रमाणित जानकारी छूट ना जाए। इस शास्त्र प्रमाणित जानकारी को अधिक से अधिक लोगों तक फैलाने के लिए सभी व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप में शेयर करिए ताकि एक प्रामाणिक जानकारी सभी जनों तक पहुंच पाए। वीडियो बनाने में काफी मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, इसलिए आप वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइए। शास्त्र प्रमाणित जानकारी को जानने और अन्य लोगों तक इस जानकारी को पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।